हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो MySQL को लेकर के और MySQL में जो लाइक ऑपरेटर है उसका यूज खास तौर पर के नहीं अगर आप कर पा रहे हो तो आप ध्यान से देखो इस वीडियो को, और इस वीडियो को देखने के बाद 100% ये गारंटी है कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि लाइक ऑपरेटर को कैसे यूज करना है। देखिए, सबसे पहले तो हमने टेबल बना लिया है और सेलेक्ट कैसे करना है आप तो जानते ही है। यहाँ पर एक कमांड आता है सेलेक्ट, उसे हम लिखेंगे SELECT। इस तरीके से सेलेक्ट लिखिएगा और सेलेक्ट लिखने के बाद आपको एस्ट्रिक लगाना है। एस्ट्रिक यानी ये जो मल्टीप्लाई वाला साइन होता है इसी को एस्ट्रिक कहते हैं। और हमारे जो टेबल है उसका क्या नाम है, तो हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, आपने जो दिया होगा अपने सिस्टम में जो टेबल का नाम दिया होगा वही आपको यहाँ पे लेना है। जैसे अब मैनेजमेंट की स्पेलिंग यहाँ पर जो लिखी गई होगी वही हमें लेनी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैनेजमेंट की स्पेलिंग क्या है, MANAGEMNT है, तो जो लिखा गया बिल्कुल वही लेना है, ठीक है। अब यहाँ से स्टूडेंट मैनेजमेंट को सेलेक्ट करेंगे तो देखिए, अब अगर स्पेलिंग गलत हुई, देखिए जैसे मेरे में गलत हो रहा है, ठीक है, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही स्पेलिंग सही रहेगी, एकदम करेक्ट रहेगा तो बिल्कुल आ जाएगा। तो देखिए कैसे आ रहा है, ये सेलेक्ट एस्ट्रेक फ्रॉम स्टूडेंट, ये हो गया स्टूडेंट अंडरस्कोर मैनेजमेंट करना है, तो ये हो गया मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब ये देखिए इस तरीके से ये आ गया, ठीक है ना। स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये आ चुका है टेबल, इसमें एक नाम सचिन है, पुनीत है, यहाँ से कुछ नाम ए से स्टार्ट हुए हैं, देख सकते हैं ना, कुछ नाम ए से स्टार्ट हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एन से भी है, लेकिन ए से जो है एक से ज्यादा नाम है तो हम ए वाले को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो लाइक जो है एक ऑपरेटर है जो आपको एक से ज्यादा जो संख्या है टेबल में चीजों की उसको निकाल करके देता है, ठीक है। कैसे देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट इस तरीके से और एस्ट्रिक लगाएंगे और फ्रॉम वही स्टूडेंट मैनेजमेंट जो हमने दिया है वही देना है हमें, तो स्टूडेंट दे, स्टूडेंट मैनेजमेंट हो गया। अब यहां पर क्या करना है, वेयर लगाना है, स्टूडेंट SUDENT स्टूडेंट, और फिर यहां पे मैनेजमेंट करना है MANAGEM, एनटी वेयर नेम ऑफ स्टूडेंट देना है, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट लाइक LIKE। अब चूंकि लाइक इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि लाइक लिखने से क्या होगा कि आपका जो ये स्टूडेंट का नाम है, जैसे मान लीजिए जो भी ए से शुरू हो रहा है वो आएगा, अगर ए दे देता हूं तो ए वाला आएगा, एन दे दूंगा तो एन से जो भी शुरू होता होगा वो नाम इसमें डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पे लाइक कर दिया और यहाँ पे डबल डॉट कॉमा लगा करके ए लिख देता हूँ कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल से ही स्टार्ट हुआ तो ये भी मायने रखता है। तो यहाँ पर ये करके और यहाँ पे टर्मिनेशन देके एंटर जैसे ही करते हैं तो आप देखेंगे कि केवल ए वाले ही नाम आपको डिस्प्ले होते हुए नजर आएंगे। देखिए यहाँ पे केवल और केवल ए वाले ही नाम डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है, उनका पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से लाइक काम करता है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि लाइक जो ऑपरेटर है ये कैसे MySQL में काम करेगा। अच्छा, ये कई बार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे लगाने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं चलता है, क्योंकि सर्वर से जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक ये चलेगा नहीं। तो एक्सेस का पाथ आपको सेट करना होगा कमांड प्रॉम्प्ट से जाके, तब वो एक्सेस पे भी काम कर जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपको नया रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हमारी टेबल क्या है। तो यहाँ पे सेलेक्ट जो स्टेटमेंट है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ से स्टूडेंट मैनेजमेंट जो भी नाम है टेबल का उसको यहाँ पे देना बहुत जरूरी। तो ये स्टूडेंट मैनेजमेंट ये शायद टेबल का नाम है और यहाँ पर देखिए ये इतने सारे रिकॉर्ड्स आए हुए हैं। तो अभी हम एक और रिकॉर्ड इसमें कराने वाले हैं इंसर्ट, तो इसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू कमांड। तो यहाँ पे चलाएंगे इंसर्ट और फिर यहाँ पे इनटू, और फिर कहाँ से इंसर्ट कराना है, तो स्टूडेंट मैनेजमेंट की टेबल से इंसर्ट कराना है, ये इंसर्ट इनटू स्टूडेंट मैनेजमेंट इसी के अंदर इंसर्ट करना है। और वैल्यूज वो डालनी होंगी कि फील्ड कौन कौन से हमने दिए हैं, उन फील्ड्स के नेम देने होंगे। जैसे यहाँ पे हमने दिया है रोल अंडरस्कोर नंबर, तो ये रोल नंबर हो गया पहला फील्ड, फिर कॉमा लगा करके दूसरा फील्ड नेम, ठीक है, अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसे लिखा गया बिल्कुल वैसा ही आपको लिखना है, इसमें थोड़ा सा भी गलती होगा तो दिक्कत हो जाएगी, ये चलेगा नहीं, ठीक से काम नहीं करेगा, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। और कॉमा लगा लगा करके इस तरीके से लिखते जाना है, कंप्यूटर कॉमा, यहाँ पे बिजनेस स्टडी है तो यहाँ पे बिजनेस अंडरस्कोर स्टडीज, तो जो भी आपका है वो इस तरीके से लिखते जाइएगा, ठीक है। तो ये हो गया बिजनेस स्टडीज। अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल स्मॉल का फर्क पड़ता है, तो यहाँ पर कैपिटल स्मॉल का भी बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल में बी लिखा हुआ है, स्मॉल में एस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे स्मॉल में एस लिखते हैं, तो
तो ये बिजनेस स्टडीज हो गया, और फिर कॉमा देके इकोनॉमिक्स करिए, इकोनॉमिक्स, तो ये इकोनॉमिक्स हो गया। अगर जरा सी भी गलती होगी तो ये चलेगा नहीं और फिर आप परेशानी में पड़ेंगे। और यहाँ पे अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी इस तरीके से अकाउंटेंसी हो गया। और अकाउंटेंसी देने के बाद क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद इंग्लिश देना है, ई एन जी एल आई एस एच, इंग्लिश, और इंग्लिश देने के बाद अब इसको बंद कर देना है, ठीक है। अब टर्मिनेशन नहीं देना है क्योंकि नीचे हम इसमें वैल्यूज और भी डालेंगे, तो यहाँ पर टर्मिनेशन कोई नहीं देना, एंटर करेंगे इस सिचुएशन में आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज आपको डालना है, ठीक है। वैल्यूज डालते समय ध्यान रखना है कि कहां तक रोल नंबर हो चुका है, तो 10 तक तो हो चुका है, तो 11 रखेंगे। और यहाँ पे एस से नाम, तो एक नाम मैं यहाँ पे सूरभ भी कर देता हूँ क्योंकि एस से नाम हमें देना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे एस से एक नाम दे देता हूँ, एस यू आर ए बी एच आई, तो ये हो गया सूरभ, ठीक है। फिर कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद एक और नाम, कंप्यूटर का जो मार्क्स है वो हमें यहाँ पे एंटर करवाना है, तो यहाँ पे 78 दे दिया। फिर यहाँ कॉमा लगाएंगे, बिजनेस स्टडी का मार्क्स दे देंगे। फिर इसी तरीके से, अच्छा नंबर में कोई भी डॉटेड कॉमा या सिंगल डॉटेड कॉमा आपको नहीं देना, इकोनॉमिक्स का देंगे, फिर यहाँ पर अकाउंटेंसी का देंगे, फिर यहाँ पे इंग्लिश का दे देंगे, तो ये सारे मार्क्स हो गए। अब देखिए एक नाम एस से भी हमने इंसर्ट करा दिया। अब यहाँ पर टर्मिनेशन देके एंटर जैसे ही करेंगे तो ये लिखा हुआ आएगा, वन रो अफेक्टेड। तो अब यहाँ पर जब आप सेलेक्ट करेंगे इसे तो देखेंगे कि एक नीचे रो और भी इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है, जो ये हमने दिया है यही रो इंसर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैनेजमेंट दे देते हैं, स्टूडेंट अंडरस्कोर मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये दे दिया हमने। और यहाँ से टर्मिनेट किया तो आप देखेंगे, ये देखिए सुरभि नाम जो है नीचे इंसर्ट हो चुका है। अब हमको ये देखना है कि क्या एस वाला अब लाइक जो ऑपरेटर है उसको यूज करने, क्या ये एस वाला आएगा या नहीं आएगा, ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो एक बार इसको देखते हैं, चेक करते हैं कि आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां से चलेंगे, यहां पे लिखेंगे सबसे पहले सेलेक्ट, सेलेक्ट लिखा, और सेलेक्ट कहां से करना है, एस्ट्रिक फ्रॉम कहां से करेंगे हम, तो सेलेक्ट करेंगे हम स्टूडेंट मैनेजमेंट से, तो यहाँ पे एस टी यू डी ई एन टी स्टूडेंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट मैनेजमेंट, वेयर यहाँ पे लगाएंगे वेयर, और वेयर लगाने के बाद क्या करना है, वेयर लगाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये हो गया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा ये ध्यान देना है कि स्टूडेंट का एस कैपिटल है या स्मॉल है, ये बिल्कुल ध्यान देना होगा, ठीक है ना। तो नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे कर दिया, लाइक, लाइक लगाया, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाइक वही चीज। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एस और यहाँ पे लास्ट में लगाएंगे परसेंटेज। अच्छा एस कैपिटल है ये भी ध्यान दीजिएगा, ऊपर भी यहाँ पे सचिन का एस कैपिटल है, नीचे सुरभि का एस कैपिटल है, तो जैसे लिखा गया वैसे लिख करके जैसे ही यहाँ पे टर्मिनेशन देके एंटर करते हैं तो आप देखेंगे कि एस वाले नाम यहाँ पे डिस्प्ले होने लगे हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लाइक का यूज कर सकते हैं, लाइक एक ऑपरेटर है जो है MySQL के अंदर, और ये एक वाइल्ड कार्ड की तरह यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रोल नंबर भी देखिए शो हो रहा है और सारी चीजें शो हो रही है, तो लाइक का ये यूज है। उम्मीद करता हूँ पूरी बात आपको एकदम समझ में आ गई होगी अब, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।